बच्चों आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन के पूर्व आपको बताना चाहूँगा, जो बच्चे रिपोर्टर या स्टेनोग्राफर्स की तैयारी कर रहे हैं और एडवांस आउटलाइन लेना चाहते हैं तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9414842949 पर। यस, डिक्टेशन में आने वाले शब्द देखें। लंबे समय के लिए सुप्रीम कोर्ट स्वागत योग्य है, किया जा सकता है, कृषि कानून, किसान आंदोलन, ऐसा लगता है कि अर्धसैनिक बल, सुनवाई हो रही है, मांग करते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार से कहा गया है कि किसान संघ मानना है कि मानते हैं कि कुल मिलाकर हो सकता है, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल क्या कर रही है, हस्तक्षेप किया गया है सरकार की ओर से, अपवाह स्वरूप, बहुत बड़ी साजिश, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल कॉलेज। तो बच्चों ये आउटलाइन आप प्रैक्टिस करें और इसके बाद जो डिक्टेशन आ रहा है वो आप नोट करें। सो सब प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस, स्टार्ट। अब दिल्ली और आसपास के राज्यों में एकाधिक राजमार्गों पर लंबे समय से जाम लगा हो तब इस परेशानी का फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचना स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए वाजिब सवाल उठाया है कि राजमार्गों को इतने लंबे समय के लिए कैसे अवरुद्ध किया जा सकता है। पिछले साल पारित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के चलते सड़कों पर जाम को हमारे शासन प्रशासन के एक तबके ने मानो भुला ही दिया है। ऐसा लगता है लोगों को आए दिन होने वाली परेशानी की परवाह न तो किसानों को है और न सरकारों को। जहाँ भी जाम की स्थिति है वहाँ जितनी संख्या में किसानों का डेरा है उतनी ही संख्या में पुलिस या अर्धसैनिक बलों के जवान में भी जमे हुए हैं। ऐसा लगता है मानो किसान और जवान राजमार्गों पर ही बस गए हों। शीर्ष अदालत नोएडा निवासी मोनिका अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ता ने नाकाबंदी को हटाने की मांग करते हुए कहा है कि पहले दिल्ली पहुंचने में 20 मिनट लगते थे और अब 2 घंटे से अधिक समय लग रहा है और क्षेत्र के लोगों को विरोध प्रदर्शन के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस याचिका पर केंद्र सरकार से यह कहा गया है कि वह किसान संघों को पक्ष बनाने के लिए एक औपचारिक आवेदन दायर करे। लंबे समय से राजमार्गों पर बैठे किसानों का मत जानना जरूरी है ताकि जाम खुलवाने की दिशा में सुनवाई हो सके। बहुत से लोगों का मानना है कि किसानों के प्रति सरकार का लचीला रुख ही जाम की वजह है, तो कई लोग यह भी मानते हैं कि सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार ने किसानों को राजधानी में अंदर आकर बैठने से रोकने के लिए उन्हें सीमा पर ही रोकने की कोशिश की है और सरकार की सहमति से ही कुछ जगहों पर किसानों को जाम लगाने दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर इससे आम लोगों को जो परेशानी हो रही है उसके प्रति
अब सुप्रीम कोर्ट की गंभीरता वाजिब मुकाम पर पहुंच सकती है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और जस्टिस सुंदरेश की पीठ ने विश्वास जताया है कि समस्याओं का समाधान न्यायिक मंच, आंदोलन या संसदीय बहस के माध्यमों से हो सकता है, पर राजमार्गों को ऐसे कैसे अवरुद्ध किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के नटराज से पूछा है कि सरकार इस मामले में क्या कर रही है। जवाब मिला कि सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बैठक की थी और हलफनामे में इसका ब्यौरा दिया गया है। इसके बाद अदालत ने सरकार से जो कहा वह बहुत मायने रखता है। अदालत ने कहा कानून को कैसे लागू किया जाए यह आपका काम है, अदालत इसे लागू नहीं कर सकती, इसे लागू करना कार्यपालिका का काम है। बहरहाल अदालत के रुख से ऐसा भी लगा कि वह हस्तक्षेप से बचना चाहती है, क्योंकि एकाधिक मौक़ों पर जब अदालतों ने समाधान के लिए हस्तक्षेप किया है तब सरकार की ओर से अधिकारों के अतिक्रमण की बात उठी। जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह और चिंता को सरकार गंभीरता से ले, ताकि पिछले साल 27 नवंबर से ही अवरुद्ध मार्ग राजमार्ग खुल सके। एक बार आउटलाइन और देख लें। धन्यवाद।